नमस्कार, हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। राज्य की आय और खर्च को लेकर हमारे दो राज्यों की केंद्र सरकार के साथ बहस चल रही है। ये दो राज्य हैं केरल और राजस्थान। दोनों राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। केरल कई मामलों में अन्य राज्यों से अलग है। यह साक्षरता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था और कई अन्य क्षेत्रों में दूसरों से काफी आगे है। सामाजिक कल्याण के मामले में तो इसकी यूरोपीय देशों के साथ तुलना की जाती है। निसंदेह हर राज्य की तरह केरल भी कुछ समस्याओं से जूझ रहा है, मसलन औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों की तरह केरल भी बाजार से काफी ऋण लेता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केरल सरकार की ऋण लेने की सीमा में भारी कटौती कर दी है। इस वित्तीय वर्ष में पहले तो उन्होंने केरल को 32,442 करोड़ रुपए उधार लेने की अनुमति दी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 15,390 करोड़ रुपए कर दिया, जो आधे से भी कम है। सरकार का कहना है कि केरल ने ऋण लेने की निर्धारित सीमा को पार कर लिया है। राज्य सरकारों का कुल खर्च उनके कुल राजस्व की एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। इस वित्तीय वर्ष के लिए यह खर्च राज्य के सकल घरेलू उत्पाद या राज्य की जीडीपी का 3% तय किया गया है। लिखित रिकॉर्ड्स के हिसाब से केरल ने इसका पालन किया है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि केरल ने इस सीमा का उल्लंघन करते हुए कुछ ऑफ बजट उधार लिए हैं। ऑफ बजट ऋण का मतलब है कि राज्य के बजट से बाहर पैसा उधार लेना और खर्च करना। हालांकि यह पैसा राज्य की जरूरतों के लिए ही खर्च किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार की इस पूरे सौदे में भागीदारी नहीं होती। केरल में ऐसे दो संस्थान हैं, बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड और समाज के कमजोर वर्गों को पेंशन मुहैया कराने के लिए केरला सोशल सिक्योरिटी पेंशन लिमिटेड। केरल सरकार का कहना है कि दोनों संगठन अपने कर्ज अपने आप चुका सकते हैं और इससे सरकार की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार अपनी खुद की ऑफ बजट उधारी को कैसे देखती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का उदाहरण लेते हैं। वे अपनी सड़क परियोजनाओं के लिए बाजार से भारी कर्ज लेते हैं, लेकिन इस ऋण को केंद्र सरकार के ऋण का हिस्सा नहीं माना जाता है। सिर्फ हाईवे अथॉरिटी ही नहीं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के सभी ऋण ऑफ बजट ऋण होते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी केंद्र सरकार के ऋण के हिस्से के रूप में नहीं देखा जाता। बात बस इतनी ही नहीं है, केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है, जिसे राज्य सरकारों के साथ बांटना होता है, उनको भी देखना चाहिए। इस तरह के टैक्स को विभाज्य कर या डिविजिबल पूल कहा जाता है और इस तरह के बांटने वाले करों में कटौती की जा रही है। मतलब सरकार नहीं चाहती कि उसे हर टैक्स बाकी राज्य सरकारों के साथ बांटना पड़े। अब केंद्र सरकार इस किस्म के करों को उपकर और अधिभार में बदल रही है, जिसमें राज्य का हिस्सा नहीं होगा। पेट्रोल डीजल का ही उदाहरण ले लीजिए। सरकार ने इनके मूल्य बढ़ाए हैं, लेकिन कर में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि उपकर और अधिभार में वृद्धि की गई है। इससे हुआ ये है कि राज्यों को मिलने वाले करों का हिस्सा 11% घटकर 41-30 हो गया है। इस तरह केंद्र सरकार राज्यों की आय घटा रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कुल राष्ट्रीय खर्च का 62% खर्च राज्य ही उठाते हैं। केरल की ऋण लेने की क्षमता को कम किए जाने से इसका सीधा प्रभाव उन 60 लाख पेंशन के लाभार्थियों पर पड़ेगा, जिन्हें अब 1600 रुपए पेंशन ही मिलेंगे। वहीं राजस्थान एक अलग कारण से चर्चा में है, एलपीजी और बिजली पर भारी सब्सिडी देने के कारण। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए एलपीजी की कीमत सिर्फ 500 रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने इसे मुफ्त की रेवड़िया कहा और चेतावनी दी कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और जल्द ही चुनाव भी होने वाला है। ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में अपने कुल खर्च का सबसे अधिक हिस्सा खर्च किया है। ये अन्य सभी राज्यों के औसत खर्च से भी अधिक है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में खर्च बहुत ज्यादा नहीं है। सब्सिडी पर भी राजस्थान का खर्च औसत से ज्यादा है। यहाँ अन्य राज्यों का सब्सिडी खर्च घटा है, राजस्थान में इसमें बढ़ोतरी हुई है।
हालांकि राजस्थान की आर्थिक स्थिति की अन्य राज्यों या इसके अपने इतिहास से भी तुलना की जाए तो पता चलता है कि यह पहले के मुकाबले मजबूत स्थिति में है और अशोक गहलोत सरकार के तहत इसके आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। न केवल राजस्थान का राजकोषीय घाटा घट रहा है बल्कि हाल ही में यह सभी राज्यों के औसत से भी नीचे आ गया है। राजस्व की बात करें तो राजस्थान की जीडीपी पर प्राप्तियां पिछले दशक में सभी राज्यों की औसत से अधिक रही हैं। हाल ही में यह अंतर और बढ़ गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र हो गया है, यानी इसके अपने कर से मिलने वाला राजस्व और कर के अलावा मिलने वाला राजस्व दोनों ही केंद्र सरकार की मदद के बिना सभी राज्यों की औसत से ऊपर है और दोनों ही फिलहाल बढ़ोतरी की दिशा में है। ऐसा लगता है कि लोगों के हाथों में अधिक पैसा देने की सरकार के फैसले ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। आशा है कि दिल्ली में बैठे नव उदारवादी अर्थशास्त्री यह सुन रहे होंगे। अब समय है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर एक नजर डालने का। कोविन पोर्टल में एक बड़े डेटा लीक ने देश को चौंका दिया है। लोगों द्वारा पोर्टल पर दी गई हर जानकारी एक टेलीग्राम ग्रुप में बिक्री के लिए तैयार थी। सिर्फ फोन नंबर से ही किसी की भी सारी जानकारियों को निकाला जा सकता था। कोविन डेटा लीक को केंद्र सरकार मान नहीं रही थी, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह कहकर सरकार को मुश्किल में डाल दिया कि यह डेटा कुछ साल पहले लीक हुआ था। अनजाने में ही सही उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि पहले ही डेटा लीक हो चुका था, जबकि केंद्र सरकार ने हमेशा ही ऐसे किसी भी डेटा लीक से इनकार किया है। बैंकों द्वारा धोखाधड़ी करने वालों से बातचीत और समझौता करने की अनुमति देने वाला एक सर्कुलर जारी करने के बाद आरबीआई ने इसका स्पष्टीकरण दिया है। आरबीआई का कहना है कि सर्कुलर भी कुछ भी नया नहीं है और यह केवल पहले से मौजूदा प्रावधान को लेकर था, लेकिन बैंक की इस सफाई से ट्रेड यूनियन और विपक्ष संतुष्ट नहीं है। जांच एजेंसियों द्वारा जैसे जैसे अडानी के शेयरों की जांच की निर्धारित समय सीमा बढ़ाई जा रही है, अडानी के शेयरों में उछाल आ रहा है। बड़ा झटका झेलने वाले अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों ने अपने दो तिहाई मूल्य वापस हासिल कर लिए हैं और अपर सर्किट में कारोबार कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार भी ऊंचाई के रिकॉर्ड को छू रहा है। HSBC ने इस वर्ष के लिए चीन के आर्थिक विकास के अनुमानित आंकड़ों को कम कर दिया है। प्रॉपर्टी क्षेत्र और हाउसहोल्ड कॉन्फिडेंस में गिरावट का हवाला देते हुए ये कदम उठाया गया। GDP वृद्धि दर का पूर्वानुमान अब 5.3% है, पहले यह 6.3% था। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने पूर्वानुमान कम किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।